हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाय विद क्राफ्ट्सविला। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। जिस तरह से हमने पहले नवरात्रि और दुर्गा पूजा के बारे में चर्चा की थी, आज हम बात करने वाले दशहरा के ऊपर। जिस तरह से नवरात्रि में हम नौ दिन देवियों की पूजा करते हैं, अलग अलग रूप देखते हैं, उसी तरह से एक स्त्री के भी उनके जीवन में अलग अलग रूप देखने मिलते हैं। आज हम ऐसी एक स्त्री से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपना करियर 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया। बाय प्रोफेशन वो बैंकर थे, लेकिन उनकी हॉबीज कुछ और ही थी। आइए अब हम मिलते हैं उन्हीं से। वेलकम समिता टू चाय विद क्राफ्ट्सविला। थैंक यू अभिषेक फॉर कॉलिंग मी फॉर चाय। इट्स अ प्लेजर। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट माय सेल्फ। मैं समिता, और जिस तरह अभिषेक ने बताया कि मैं बैंकर हूँ, यस, मैंने मेरा करियर 20 इयर्स की जब मैं थी तब मैंने स्टार्ट किया। और मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, तो जैसे हर बीकॉम ग्रेजुएट का एक सपना होता है कि उसको बैंक में नौकरी करनी है, उस तरह मेरा भी एक सपना था। एंड आई जॉइन बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी। ये एक जापानीज बैंक है। 16 इयर्स एक्सपीरियंस है मुझे बैंकिंग का। लेकिन बैंकिंग में एक चीज़ थी कि सिर्फ नंबर्स थे, ऑपरेशंस था, प्रोसेसेस थे, यही सब हम करते थे। वहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए कोई मुझे वाव नहीं था। तो मुझे ऐसे लगने लगा कि आई वॉन्ट टू गेट माई क्रिएटिविटी आउट, तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें मैं मेरी क्रिएटिविटी दिखा सकूँ। तो जब मैंने बैंकिंग छोड़ा और मैं जब घर पे थी, तो पहले तो मैंने अपने खुद के कपड़े डिज़ाइन किए। फिर मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स बोले, ओह ये तो बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए भी आप करो। तो आज मेरा एक छोटा वेंचर है सिंपली स्टाइलिश, जहाँ पर मैं कपड़े डिज़ाइन भी करती हूँ। आप फेसबुक पे मेरा पेज चेक कर सकते हो, और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और जिस तरह से क्राफ्ट्सविला का जर्नी स्टार्ट हुआ था फ्रॉम अ स्मॉल टू बिग, उसी तरह से मैंने भी अभी ये जर्नी स्टार्ट किया है। एंड आई वॉन्ट टू गो टू दैट हाइट। एंड इंस्पिरेशन के लिए काफ़ी सारा मैं गूगल चेक करती हूँ, और क्राफ्ट्सविला एक ऐसा वेबसाइट है जो मैं हमेशा चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा हटके फैशन मुझे देखने मिलता है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन के लिए जहाँ फैब्रिक बिकता है, ज्वेलरी बिकती है, गारमेंट्स बिकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर मुझे कुछ अलग देखने मिलता है। तो बहुत बार मैं वहाँ से इंस्पिरेशन लेती हूँ, जैसे काउल ड्रेसेस है वहाँ से मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ, जैकेट ड्रेसेस या श्रग्स है या धोती सलवार है, ये सब मैं वहाँ पर बहुत देखती हूँ। सुमिता, दशहरा का सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में क्या है? आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारे स्टेट्स में दशहरा अलग अलग तरह से सेलिब्रेट होता है, जैसे गुजरात में अलग से होता है, साउथ में गोलू होता है। महाराष्ट्र में दशहरा स्टार्ट होता है फर्स्ट डे से, जब भी होता है घटस्थापना, तो एक घट बनाया जाता है जिसमें नीचे मट्टी डाली जाती है, उसमें 9 प्रकार के धान्य डाले जाते हैं जो लास्ट डे तक इतने इतने उग जाते हैं। तो ये जो दशहरा है वो घटस्थापना से स्टार्ट होता है। बेसिकली दशहरा के दिन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर पे भी घटस्थापना होती है। मैं बचपन से ये देखते आ रही हूँ कि दशहरा के दिन जो धान्य अब पड़ गया है उसे काटा जाता है और भगवान को अर्पण किया जाता है। ये बेसिकली फार्मर्स से रिलेटेड है, क्योंकि अभी नई नई बारिश हुई है और सब जगह पेरनी होती है या सोइंग ऑफ क्रॉप्स होता है। तो हर फार्मर ये चाहता है कि उसका जो खेत है वो खुशियों से भर जाए, उसके खेत में जो भी उसने बोया है वो अच्छी तरह से आए, तो वो भगवान के पास प्रार्थना करता है। तो इस तरह वो फार्मर से रिलेटेड है। और एक उसके रिलेटेड कहानी ये भी मैंने सुनी है कि पुराने जमाने में जो घर पे क्षत्रिय होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, वो सीमोल्लंघन करते थे। जो अपने राज्य की या राष्ट्र की या देश की सीमा होती है वो सीमा को पार करके दूसरे राज्य में जाके लड़ाई करते थे। वहां पर से जो भी सोना, धन, धान्य, वो जो भी वो लेकर अपने राज्य में आते थे और अपने घर के सभी औरतों को सोना बांटते थे, जो बच्चे हैं उनको धान्य बांटते थे। तो ये भी एक है। इसीलिए जो एक पेड़ होता है आपट्याची पान, जो हम बोलते हैं मराठी में, काफी लोगों को पता होगा, वो एज अ सिंबॉलिक सिंबल
वो दिया जाता है. इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अभी आज के तारीख में सोने का भाव इतना है कि सोना तो हम दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो अप्टेचिपाना एज अ सिंबल दिया जाता है. तो मेरे फैमिली में हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं दशहरा. वाओ, ये कुछ अलग ही जानकारी मिली मुझे. नहीं तो मुझे इतना पता था कि राम ने रावण का वध किया था, इसके लिए दशहरा मनाते हैं. और दशहरा इसलिए बोलते हैं कि रावण के 10 मुख थे और उसको हराया था, इसलिए दशहरा.